हेलो एवरीवन, दिस इज राजन हियर फ्रॉम मैकिनिटी सर्विसेज। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आपका अगर कोई पीपीटी है और वो पीपीटी आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पे डायरेक्टली आप लिंक कर पाए, और वो पीपीटी आपने अपने गूगल ड्राइव पे डाला है और उसका जो लिंक है वो आई फ्रेम में डाल के आप डायरेक्टली चाहते हैं कि पीपीटी वेबसाइट पे दिख पाए, तो उसके लिए क्या करेंगे वो हम देखेंगे। तो ये मेरा गूगल ड्राइव अकाउंट है जहाँ पे मेरा पीपीटी है। इस पीपीटी को मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी ये जो आपका पीपीटी दिख रहा है उसे ओपन विद करिए और यहाँ पे गूगल स्लाइड्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप गूगल स्लाइड पे क्लिक करेंगे आपका प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे गूगल स्लाइड्स में ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये फाइल ओपन हो जाता है आप फाइल्स पे क्लिक कर दीजिए। फाइल्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पब्लिश टू वेब करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे एम्बेड करके ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपका जो फाइल ओपन होगा या ये पीपीटी ओपन होगा वो कौन से साइज में ओपन होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट वो कितने टाइम के बाद में चालू होना चाहिए, मतलब एवरी 3 सेकेंड में जो आपका स्लाइड्स है वो आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं। ये करने के बाद में स्लाइड शो डायरेक्टली चालू हो जाना चाहिए कि आपका जो पेज है वो लोड होने के बाद में, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा। ये मेरा लिंक है, ये मैं कॉपी कर सकता हूँ और ये लिंक मुझे जहाँ पे भी या जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है वो एम्बेड करना है वहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। इससे एडवांटेज मुझे ये मिलेगा कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पे चालू हो जाएगा और वहाँ पे स्लाइड शो की तरह लोग देख भी पाएंगे। तो इस तरीके से आप आपके किसी भी प्रेजेंटेशन का आई फ्रेम लिंक निकाल सकते हैं और उसे किसी भी वेबसाइट पे या प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। अगर ऐसे वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे फ्यूचर में जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।